है एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे पेजेस के हम कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर अबाउट पेज। अब अबाउट पेज में अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ सेक्शंस पहले से ही हैं। जैसे अगर इस पेज के अबाउट सेक्शन देखा जाए तो हमको बस ये एक दो तीन लाइक जितने सेक्शंस बिल्ड करने हैं। बाकी ये सेक्शंस और आवर पार्टनर्स और लाइक ये वाला सेशंस हमने पहले एडिट कर चुका था, तो आपको पता है ये चीज़ें हम कैसे करते हैं। बाकी जो चीज़ें नहीं है हम वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इसको हम से निकाल लेते हैं, इसको हमको जरूरत नहीं है, ये पार्ट की जरूरत नहीं है, ये पार्ट की जरूरत नहीं है, और मिशन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आवर स्टोरी हमें चाहिए, हमें आवर स्टोरी में ये पार्ट नहीं चाहिए, ये पार्ट नहीं चाहिए, लेट्स सी। इसके बाद हमें ये वाला पार्ट मल्टीपल टाइम्स चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ कंटेंट ले लेते हैं हम फटाफट, ये रहा, ठीक है, यहाँ पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ का हमें फोटो चाहिए, तो लाइक यहाँ से फोटो ले लेते हैं हम, जस्ट अ मिनट, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं फटाफट डाउनलोड्स, ये रहा फोटो, ऐड कर लिया। इसको बीच में रख लेते हैं हम, इसको बेसिकली बीच में रखना है, जस्ट अ मिनट, जनरल, इसका मेन कंपोनेंट ढूंढना है हमें, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर रहेगा, राइट, हाँ ये रहा। देन यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे सब लिखा है, यहाँ पे डिफॉल्ट, तो हम सबको मिडल रख लेते हैं, बढ़िया हो गया मिडल। नेक्स्ट हमें इसको पीछे उसको येलो रखना है, लेट्स गिव इट येलो, मेन कॉलम, बैकग्राउंड येलो, हो गया। अपडेट, लेट्स सी हाउ इट लुक्स, ये रहा, तो ये देखिए ये ऐसे दिख रहा है लाइक इसके जैसा ही। नेक्स्ट हमें इसके एक स्पेसर चाहिए, ठीक है, तो लेट्स ऐड अनदर स्पेसर, मेन कंपोनेंट में प्लस, हमको प्लस ढूंढना है बेसिकली, यहाँ प्लस ले लेते हैं हम, हमको चाहिए स्पेसर, लेट्स ऐड स्पेसर। अब हमें इसको इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, ये रहा, कर लिए अपडेट, लेट्स सी नाउ हाउ इट लुक्स, हाँ अब बढ़िया दिख रहा है। नेक्स्ट सेशन क्या करना है हमें, हम बताते हैं। नेक्स्ट हमें इसी को डुप्लीकेट करना है, जस्ट अ मिनट, इसी का जो डुप्लीकेट, बस हमें इसके बैकग्राउंड को यहाँ से वाइट करना है, जस्ट अ मिनट, बैकग्राउंड, ओ बैकग्राउंड बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड को लेते हैं वाइट। अब हमें यहाँ पे एक फोटो ऐड करना है बेसिकली, तो हम ये फोटो ले लेते हैं फिलहाल, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ऐड। अब इसके बाद ये वाला सेशन जो है, ठीक है, इस सेक्शंस को हम इस तरफ रखते हैं, इस तरफ जाना चाहिए बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं, हम इसके इस पोर्शंस को ऐड यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको इस तरफ, हमको मतलब हमको राइट में एक पेज चाहिए, राइट, तो यहाँ से एक बार उसकी फोटो को निकाल लें, ये देखिए ये रहा, ठीक है, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसे कि ये ऐड कर लिया हमने, नाउ लेट्स सी हाउ इट डज, ये रहा, हमको बेसिकली इसका कॉलम चाहिए, ठीक है, तो ये देखिए हमको उसका कॉलम मिल गया। अब इसको शिफ्ट कर ले इस तरफ। अब इसके एक और तरीके कैसे, समझ लो मैं पहले आता हूँ, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ, मैनुअली भी और ऐड वाले भी, ठीक है। तो हमको अभी फोटो चाहिए, तो लेट्स ऐड फोटो, ठीक है, PHO, ये रहा इमेज, यहाँ पे अपलोड कर लेते फटक से, ये वाला इमेज हमको चाहिए। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक मैंने मैनुअली बताया आपको मैनुअली कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका होता है इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई उसको पकड़ लेगा, देन इसको शिफ्ट कर लो उस तरफ, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ से जो भी चीज़ हमें चाहिए यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं ऐसा, बाकी आपको यहाँ पे जो जो चीज़ चाहिए आप यहाँ पे लाइक पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा बोल्ड में हो गया,
इसे चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ अबाउट अस चाहिए हमको, अबाउट अस ले लेते हैं, ये रहा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और चाहिए, ओके नेक्स्ट। अब हमें एक प्लस साइन ढूंढना है, प्लस साइन नहीं मिल रहा सॉरी। तो यहाँ का हम प्लस साइन ले लेते हैं बेसिकली। हमको यहाँ पे चाहिए क्या, ठीक है। अब इसे यहाँ से हम ले लेते हैं, इसके अंदर, इसके नीचे ले लिया। द नेक्स्ट यहाँ पे सिर्फ इसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा, लेट्स गो टू एडिट पेज, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब चीज़ें पेस्ट कर लो, ठीक है। देखिए हो गया। अब इस सेम चीज़ को हम वापस से कर लेते हैं डुप्लीकेट। अब हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ को जो ये पेज है इसको कर लेते हैं सिलेक्ट। इसको चाहिए इस तरफ, सेम यही सेम चीज़ को हमको रिपीट करना है, डुप्लीकेट। ये रहा, इसको पकड़ते हैं, इसका मेन ब्लॉक, एंड देन नेक्स्ट इसे इस तरफ, ठीक है। अपडेट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमको बस से कंटेंट चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर आवर एम, ठीक है। तो यहाँ पे आवर एम लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें लिखनी है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं फिर फटाफट, ठीक है। तो इसको पहले हटा लेते हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए, फटाफट। अब यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ओ यहाँ से सब कॉपी, फिर यहाँ पे सब पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे लास्ट सेक्शन हमारा बचा है कौन सा है, आवर विजन। अच्छा, और विजन में हमारा जो ये फोटो है ये इस तरफ ही है, इसे पकड़ते हैं एंड देन इसे यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ आवर विजन। नेक्स्ट ये पार्ट फटाफट इसे एडिट कर लेते हैं हम, इस सब में रिमूव कर रहा हूँ। आपको पता है शॉर्टकट रिमूव का क्या है, अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर यहीं पे आपको देखने मिलता है। एक मिनट दिखाते हैं हम, शॉर्टकट है, हम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है शॉर्टकट, ये देखो। अगर आप शिफ्ट ऑल सेट करेंगे तो आप फटाफट शॉर्टकट की मदद से इसे को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब इतना हमने बना दिया। अब इसके बाद हैव अवी क्वेश्चन लाइक, ये सब तो हमने पहले भी एडिट किया हुआ है, मतलब बेसिकली हमको इसका ये सब चेंज करना है, इसको चेंज करते फटाक से, ये हो गया। द नेक्स्ट हमको यहाँ पे लाइक इसको यहाँ से हटाना है बेसिकली, ये पूरे सेक्शन को, और उसकी जगह हमको आवर पार्टनर्स वाला सेक्शन डालना है, ठीक है। इसको कर लेते हैं अपडेट। अब यहाँ पे एक चीज़ बचा हुआ है, वो है इन सब के टेक्स्ट चेंज करना। मेरे टेक्स्ट कहने का मतलब है इनके फॉन्ट फैमिली को, ठीक है। तो जो कि है पॉपिंस, सब जगह हमें चेंज करना पड़ेगा जहाँ जहाँ हमने टेक्स्ट यूज़ किया है, ठीक है। पॉपिंस, उसके बाद ये सब भी पॉपिंस से बना है, ठीक है। तो इन सब का डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, ये हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बट जहाँ जहाँ हमको टेक्स्ट एडअप करने का मौका मिले वहाँ पे आप पॉपिंस यूज़ कर लें, ठीक है। इन सबको भी हम पॉपिंस कर सकते हैं, वो कोडिंग से करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से ये टेक्स्ट ख़राब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बट हम आगे चल के देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम पॉपिंस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको ऑप्शन, इसको ऐड करने का ऑप्शन हमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो लेट्स अपडेटेड एंड लेट्स वॉच कि दिखता कैसा है। ये कल अपडेट हमने, ये देखिए, तो ये देखिए ये सेक्शन फटाफट हमने बना भी लिया, बहुत प्यारा। अब हमको बस इसे बड़ा करना है, लाइक ना इसे छोटा बड़ा बड़ा करना है, और यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया है। अच्छा, हमने यहाँ पर जो ये टेक्स्ट ऑल को बड़ा किया है और जो इनको फॉन्ट साइज दी है, फॉन्ट फैमिली दी है, ये हमने दिया है कोडिंग से। मैंने आपको दिखाया है प्रीवियसली जैसा हमने यूज़ किया था उसके कोडिंग के लिए, हेडर के लिए जब कोडिंग यूज़ किया था, तो वैसे हम इसके लिए भी कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के मैं दिखा दूंगा कि कोडिंग हम कैसे यूज़ करें, थोड़े बहुत चेंजेस मैं करना बता दूंगा, ताकि आप अपनी मदद से और भी चेंजेस कर पाए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमने इतना पार्ट बिल्ड कर लिया फटाफट। लेट्स सी हमारे पास कोडिंग में और कौन कौन से ऑप्शन आते हैं इनको चेंज करने के लिए। तो ऑफकोर्स मैंने यहाँ पे मिडिल कर सकते हैं, लाइक ऐसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद इसको लाइक चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पर, ठीक है। सेम गोज फॉर दिस, इसके लिए भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे बाद में कोडिंग से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर एज फॉर नाउ
यहाँ पर ये सेक्शन देखिए, हमने यहाँ का टेक्स्ट बड़ा कर दिया, ये देख रहे हैं आप, बस इसका हमको उसका फॉन्ट फैमिली पॉपिन रखना पड़ेगा। बाकी यहाँ तक देखते हैं सेम है कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ तक प्रॉपर सब सेम है। हाँ यहाँ पे ये ब्लैक मार्जिन आ रहा है क्योंकि मेरे फोटो में लाइक यू नो मैंने थोड़ा सा पैडिंग रखा है, और पैडिंग को मैंने कोड से यू नो ब्लैक दे दिया, बेसिकली बॉर्डर दे दिया। बाकी हमारा ये पेज सेम है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि ये पार्ट है, ये पोर्शन देखो मेरे पेज में नहीं है, तो मैंने इसको कोडिंग की मदद से यू नो बंद कर दिया है। तो वो भी कैसे किया, वो भी आपको दिखा दूंगा। लेट्स मूव टू अनदर सेक्शन, देखते हैं यहाँ पे अनदर सेक्शन कौन सा हमारे पास, व्हाट वी डू। तो व्हाट वी डू वाला सेक्शन भी जो है वो इसके जैसा ही बना हुआ है, लाइक इसके जैसा अगर देखा जाए, एक मिनट, तो इस सेक्शन के जैसा ही देखोगे तो वो भी बना हुआ है, ठीक है। तो लेट्स मूव देयर, चलते हैं बाहर फटाफट। हमको यहाँ पे एक और पेज चाहिए, हम कहते हैं न्यू पेज, आओ ऑल पेज, पेजेस में जाएंगे, आओ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पेजेस में जाएंगे हम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा जो कि एक डुप्लीकेट प्लगइन, अगर आपको पता होगा तो। लेट्स यहाँ पे जाते हैं फटाफट, ठीक है। तो मैं ज़्यादा करके बिलीव करता हूँ क्योंकि यू नो मैं ज़्यादा करके यूज़ करता हूँ डुप्लीकेट प्लगइन, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी पेज को मैं बार बार यू नो यूज़ करने की कोशिश करूँ, उसे स्क्रैच से बिल्ड करने की कोशिश करूँ। इससे अच्छा जिस पेजेस में मेरे यू नो बहुत सारे कंपोनेंट्स पड़े हैं, वहीं से चीज़ों को रेप्लीकेट कर लूँ। तो चलते हैं डब्ल्यू पी डुप्लीकेट में फटाफट। तो डब्ल्यू पी डुप्लीकेट प्लगइन ये देखिए, ये वाला प्लगइन है, ये कुछ ऐसा दिखता है, इसे कर लेते हैं इंस्टॉल। जैसा आपका नेट रहेगा ये हिसाब से फटाफट इंस्टॉल रहेगा। देखिए इंस्टॉल हो गया, अब एक्टिवेट कर लेते हैं फटाक से। लेट्स गो टू पेजेस, ठीक है। अब पेजेस में जब आप होवर करेंगे तो देखिए आपको ऑप्शन आएगा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको डुप्लीकेट दिस, तो अबाउट अस डुप्लीकेट कर लेते हैं हम फटाफट। अभी देखिए जो डुप्लीकेट ड्राफ्ट करके आ रहा है इसको क्विक एडिट कर लेते हैं हम। क्विक एडिट में यहाँ पे नाम लिख देंगे व्हाट वी डू, ठीक है। नेक्स्ट इसको यहाँ से करना, हमको करना है इसको पेज पब्लिश प्लस टेम्पलेट में देखिए पेज बिल्डर, तो पेज बिल्डर, ठीक है। तो कर लेते हैं अपडेट, नेक्स्ट इसको कर लेंगे हम अपडेट। तो ये देखिए अब जैसा पेज हमने अबाउट अस का बनाया था ये वैसा ही पेज आपको बनाकर दे देगा, ठीक है। लेट्स गिव इट सम टाइम, ये अपने आपको लोड कर रहा है, ये देखिए पैंथियन थोड़ा स्लो चल रहा है बेसिकली, मेरा नेट बराबर है मतलब। तो मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए, देखते हैं ये पार्ट है हमको नहीं है, तो ये पार्ट मुझको यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझको ये पार्ट्स भी नहीं चाहिए, एक मिनट, मुझको ये पार्ट चाहिए, हाँ ठीक है, ये सब पार्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, एक मिनट हो गया। अब यहाँ पे इसको चाहिए हमको स्कूल कोलैबोरेशन बूट कैंप, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सब अलग से, हीरा स्कूल कोलैबोरेशन बूट कैंप। नेक्स्ट हमको यहाँ पे चाहिए एक प्लस का साइन, प्लस का साइन, ये रहा। हमको एक चाहिए यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं फिलहाल, और उसको लिख लेते हैं इसके नीचे, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी चीज़ें, तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे भी मतलब कंटेंट है वो यू नो एक मिनट डेमो है, तो यहाँ पे भी हम डेमो रहने देते हैं। नेक्स्ट हमें आगे फोटोज चाहिए, तो यहाँ से उसको फोटो ले लेते हैं हम, एक मिनट, सेव इमेजेस। नेक्स्ट ये इमेज लेते हैं दिखाने के लिए, ठीक है, सेव इमेजेस। नेक्स्ट इसको हम कर लेते हैं चेंजेस, नेक्स्ट अपलोड, अपलोड में आके हम कर लेते हैं ये इमेजेस और ले लेते हैं इसे, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम फुल विथ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा आपको विथ लाइक वाइड भी करके, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें। देन इसके बाद हमारा फोटो जो है यहाँ पे देखिए कर्व है, और यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा ऐसा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा बॉर्डर का, तो बॉर्डर यहाँ पे समझ लो देता हूँ दो, ठीक है। यहाँ पे राउंडनेस हम कर सकते हैं, तो मैं देखिए यहाँ पे राउंडनेस है, तो यहाँ पे राउंडनेस में रहने देता हूँ समझ लो 10, 10 अच्छा दिख रहा है। देन इसके बाद बॉर्डर पर मैं रख लेता हूँ 1, ठीक है, तो फिलहाल रहने दो, दिक्कत नहीं हमें। देन नेक्स्ट बस इतना ही अपडेट। अब इसके बाद यहाँ पे जो उसको मैंने यहाँ पे जो बॉक्स शेडो दिया है वो मैंने दिया कोडिंग की मदद से, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक कदम कदम पे यू नो हर एक स्टेप पे हमें कोडिंग की जरूरत पड़ी रही है। नेक्स्ट इसी सेम चीज़ को हम अभी हमें को एक चाहिए लाइक यू नो हमको एक चाहिए बेसिकली, यहाँ पर एक प्लस कर लेते हैं, हमको चाहिए एक बटन, ठीक है। तो
तो बटन का लेआउट देख लेते हैं हम, ये रहने देते हैं, ठीक है। देन इसके बाद इसका बैकग्राउंड, सॉरी बॉर्डर कह रहे हैं, कलर, कलर में इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड हम देते हैं फिलहाल इसे नेवी ब्लू, ठीक है। ये रहा बैकग्राउंड में नेवी ब्लू दे दिया, ये रहा। देन नेक्स्ट, एक मिनट, इसको हमको देना पड़ेगा बॉर्डर, बॉर्डर में आके हम कर लेते हैं बॉक्स रेडियस, रेडियस कर लेते हैं 50। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने नाम ही दिया इसका बेसिकली, तो यहाँ लिख लेते हैं स्कूल कोलेबोरेशन बुट कैम्प, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, कोलेबोरेशन घटा के स्कूल बुट कैम्प, ठीक है। अब बेसिकली हमें इसके टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो चलते टेक्स्ट में, जस्ट अ मिनट, टेक्स्ट ये रहा, टेक्स्ट की फैमिली कौन सी हमारी, पॉपिंस। टेक्स्ट का साइज हम बड़ा रखना है, ज़्यादा बड़ा हो गया, लेट्स मेक इट 20 20, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टेक्स्ट साइज रख सकते हैं, बट मैं दिखाने के लिए इतना रख रहा हूँ। नेक्स्ट, इसी चीज़ को डुप्लीकेट कर लो, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसको पकड़ते हैं हम इसी से ऐसे, इसको इस तरफ यहाँ पे कर लो, लाइक इसका इमेज चेंज करो, यहाँ से अपलोड, ये रहा अपडेट, ठीक है। करते हैं हम ऐसे फिलहाल प्रीव्यू के लिए देख लेते हैं, तो प्रीव्यू इन न्यू टैब, तो ये देखिए यहाँ पे हमको हमारा पेज दिखाई देगा। तो हमारा पेज व्हाट पीड वाला पेज देखो, ये अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हाँ सर, यहाँ पे चीज़ें हमने निकाली नहीं है बेसिकली, एक मिनट, ये यहाँ से निकाल लेते हैं, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए इस कौन, एक मिनट, यहाँ पे ये पेजेस हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको चीज़ें चाहिए आप यहाँ पे ऐड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाकी यहाँ तक का जो हमने रखा था, ये देखिए ये और ये सेम है। अब बेसिकली यहाँ का अगर इसका हम देखें, तो यहाँ पे जो इसके ये इतने अच्छे फॉन्ट रखे हैं, ये हमने रखा है बेसिकली इसके वजह से, यू नो, हमने कोडिंग का यूज़ किया है। यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, वो क्या दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जब हम एक ब्लॉक चूज करते हैं, ठीक है, समझ लो मुझे पैरा पैरा चाहिए, तो यहाँ देखो यहाँ पे थीम का भी पैराग्राफ मिलता है आपको। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे अगर कोई चीज़ पेस्ट करूँ, जैसे ये मुझे को पेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि ये रहा पॉपिंस, माफ़ करना, लाइक मुझे पहले जैसा यू नो याद नहीं आया, मैं थोड़ा भूल गया था इस चीज़ के बारे में, पर आप यहाँ से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पर अभी हम कैसा मोस्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये करता है ये यहाँ के जो फॉन्ट, जो चीज़ें होती है फॉन्ट वाली, ये उन चीज़ों को ही कॉपी करके ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा करके यू नो इस चीज़ को, अगर आप इस चीज़ को यूज़ करने की सोच रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे लाइक पैराग्राफ, नॉर्मल पैराग्राफ की जगह अगर आप थीम का पैराग्राफ यूज़ कर, लाइक ये एक मिनट, थीम वाला ये वाला अगर पैराग्राफ यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ी 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 मतलब बहुत ज़्यादा मैनुअल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि अगर आप ये चीज़ें यूज़ करें, तो आप ज़्यादा करके चीज़ें मैनुअली यूज़ करें। अगर ज़्यादा इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये अपना जो इसका जो यू नो स्टाइल है, वो लाइक वो नो छोड़ने लग जाएगा। तो दैट्स इट, यहाँ पे कर लेते हैं इसे अपडेट। अब इसे थोड़ा आप बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, फॉन्ट साइज बड़ी छोटी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट का लाइक पीछे फॉन्ट कलर चेंज करना है हमें, बाकी ये चीज़ अगर देखें तो ये डिटो हो गया। अब यहाँ पे देखिए व्हाट वी डू करके एक बड़ा सा ऐसा लाइन करके आ रहा है, तो ये भी हम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जाएं, समझ लो ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये वाले पार्ट को हम कर लेते हैं कहाँ से, कॉपी डुप्लीकेट। अब इस पार्ट को ले चलो एकदम ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर आ गए हम। नेक्स्ट, यहाँ पे से सब हटा लेते हैं, हटा लिए। देन नेक्स्ट, अब हमें पूरे सेक्शन को पकड़ना है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से निकाल लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ मिल लेते हैं पैराग्राफ, ठीक है, इसे कर लेते हैं हम ये कॉलम पकड़ के, हाँ ठीक है, हो गया। अब इसे कहते हैं रिमूव कॉलम। अब इसके बीच में देखो कुछ नहीं रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स ऐड, यहाँ लेते हैं हम, यहाँ ले लेते हैं हम हेडिंग, हेडिंग में लिख लेते हैं हम व्हाट वी डू, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब इसके बाद इसको पकड़ते हैं हम और यहाँ पे करते हैं ऐड, ठीक है। तो ये इसके अंदर ऐड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। सेकेंड काम हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे ऐड नहीं हो रहा तो
ऑप्शन से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमको चाहिए यहाँ पे एक प्लस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, प्लस ये रहा, प्लस साइन में जाएंगे सेक्शंस, हमको सेक्शन चाहिए कैसा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ये रहा, ये ऐड कर लिया। अब इस कॉलम को पकड़ना पड़ेगा हमें, ये रहा। अब इसको जाएंगे जर्नल में, एक मिनट, अलाइनमेंट इसका बीच कर लेते हैं, मिडल कर लिया। द नेक्स्ट इसका जो मेन ब्लॉक है, मेन ब्लॉक, मेन ब्लॉक, ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं, ये देखिए इसका मेन ब्लॉक, इसके मेन ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है, फटाफट येलो, पूरा कॉलम पकड़ लेते हैं, ये पकड़ लिया। देन नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर चेंज लेते हैं फटाक से इसका, हो गया। अब बस हमें इसके यू नो ऊपर नीचे स्पेस ऐड करना है बेसिकली देखा जाए तो वो आप कर सकते हैं, बाकी से अगले अपडेट, लेट्स चेक इट, लेट्स रिफ्रेश इट। अब अगर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखो वॉट वीडियो करके आ गया, बस हमें से थोड़ी यू नो मॉडिफिकेशन करने हैं, जैसे कि टेक्स्ट अगर देखा जाए तो मुझको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ेगा 28। देन नेक्स्ट मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि स्पेसर हो गया, स्पेसर ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं बेसिकली, तो ये स्पेसर हम इसके रखेंगे एक यहाँ नीचे और एक स्पेसर हम रख लेंगे इसके ऊपर, ये यहाँ पर, ठीक है, और ऑफ कोर्स हमें इसको छोटा छोटा करना पड़ेगा बेसिकली, इसे हम रख लेते हैं 50-50, ठीक है, अपडेट, दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पर अगर इसे कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से और भी इसे बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला स्पेसर अभी ऐड नहीं हुआ, एक बार वापस रिफ्रेश करना पड़ेगा इसे, तो ये देखिए ये बीच में हो गया। नेक्स्ट हमें इसका पॉप लाइक ऑफ कोर्स हमें इसका फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पॉपिंस, देन हम इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि 30, बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको, मैं 38 ले लूँ, ठीक है, लेट्स रिफ्रेश इट एंड सी कि कैसा हो रहा है अभी। तो ये देखिए अभी हो गया व्हाट वीडियो करके, सो दैट्स इट, हमारा जो अबाउट पेज था वो भी हो गया। अब हम इसके बाद अगले पेज लाइक अगले वीडियो में अगला पेज देखेंगे, ठीक है, तो हमने इस वीडियो में दो पेज देख लिया, एक हो गया हमारा अबाउट पेज, एक हो गया हमारा व्हाट वी डू पेज, तो हमने यहाँ पे दो पेज बना लिए, ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे हम कैसे कॉन्टैक्ट पेज बनाने वाले हैं, सो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।